दोस्तों नमस्कार, जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेला पालमोचन के अंदर जो है अभी मैं यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुंच चुका हूँ, और मेला का पालमोचन हो और बंसी वाले बाबे की भंडारी की जो है बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैं जो है बंसी वाले बाबा का जो है ना भंडारा है यहाँ पर जो है अंदर जाके चेक करेंगे किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है, कितने पंजाबी यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं और किस प्रकार के अंदर की व्यवस्था है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं बंसी वाले बाबा के भंडारा किस प्रकार से होता है आज। तो यहाँ पर जो है लंगर परोसा जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से जो है चावल डालने का कार्य शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आगे सब्जी डालने का कार्य हो रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से रोटी की व्यवस्था है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद है, हलवा प्रसाद की व्यवस्था है, और प्रसाद की मैं थोड़ी कवरेज करूँगा दोस्तों। प्रसाद दिखाओ यहाँ पर, इधर प्रसाद जो है बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और पता लग रहा है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा बिल्कुल ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी चावल ही है और चावल और दाल है आगे। तो आप देख सकते हैं इस साइड में आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर टेबल डाले गए हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा पंजाब यहाँ पर आया हुआ है। तो बहुत सारे पंजाबी श्रद्धालु जो है लोकल हर तरह की व्यक्ति जो है यहाँ पर भंडारा करते हैं बंसी वाले बाबा जी के यहाँ पर इस पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं दोस्तों। तो इधर जो है माताएं बहनें जो है यहाँ पर जो है भंडारा जो है बड़े ही आराम से जो है खाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विश्राम भी कर रहे हैं और खाना जो है ना बड़े बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं दोस्तों आ जाओ। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, यह क्षत्रिय राजपूत महासभा धर्मशाला पालमोचन के अंदर जो है ये बंसी वाले बाबा का जो भंडारा हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बर्तन साफ करने की व्यवस्था चल रही है आप देख सकते हैं दोस्तों, तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी तंग जगह है क्योंकि पंजाबी जो है ना भारी संख्या में आते हैं। आप देख सकते हैं ये चावल है यहाँ पर, ये चावल का पूरा ढेर लगा हुआ आप देख सकते हैं, बंसी वाले बाबा का जो है चावल का ढेर ये ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं ताकि संगत ज़्यादा आए तो ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े। तो व्यवस्था आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आटे की जो थैलियाँ हैं बड़े कट्टे हैं यहाँ पर वो लगे हुए हैं, और देख सकते हैं दोस्तों मैं इधर घुमाना चाहूँगा। यहाँ पर बाबा जी की जो है ना मूर्ति लगी हुई है, बाबा ये दान पात्र हैं, यहाँ पर बाबू जी बैठे हैं, वहाँ पर प्रसाद लिए हैं, लड्डू का प्रसाद भी है वहाँ पर। तो बंसी वाले बाबा की यहाँ पर फोटो लगी हुई है आप देख सकते हैं, और इधर जो है पूरा का पूरा जो है भंडारा जो है भरा पड़ा है, यहाँ पर भरपूर भंडारा है, यहाँ पर अखंड भंडारा चलता है दोस्तों जैसे कि आपको पता ही हर साल यहाँ पर। तो चलिए आगे की व्यवस्था देखते हैं क्या कुछ है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, एक रोटी बनाने की जो मशीन है मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इधर से कवरेज करते हुए देखना चाहूँगा, वहाँ पर जो है ना एक रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है, क्योंकि इतना सारा भंडारा जो है इंसान जो है नहीं बरता सकता है, इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, मशीन का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सामने जो है रोटी बनाने की मशीन लग रही है, तो इसको देखते हैं, हम इनसे देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये रोटी किस प्रकार से बना रही है। चलिए मैं दिखाना चाहूँगा इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ आटा कहाँ पर डलता है, कैसे इसमें पानी डलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी यहाँ पर जो है बिल्कुल गोल होकर जो है ना आगे जा रही है और सिक रही है आप देख सकते हैं, और इसमें सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया गया है आप देख सकते हैं, सिलेंडर जो है यहाँ पर रोटी बनाने में और ऊपर आटा गूंदने में जो है काम कर रही है, ऑटोमेटिक मशीन है वो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और यहाँ से इसमें पेड़ा आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी के अंदर जो है ना पूरा यहाँ पर पेड़ा इसमें बनता है, और पेड़ा फिर यहाँ पर जो है ना रोल बना के जो है अंदर जो है एक रोल के बीच में ही घुस जाता है, जिसकी वजह से रोटी चपटी हो जाती है, और आगे जो है यहाँ पर जो है ये सिकाई के काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो सिकाई चल रही है इसके अंदर जो है गैस सिलेंडर का इसमें इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है पूरी की पूरी रोटी जो है नीचे जो है टोकरे के अंदर आके गिर जाती है। तो इसको घी लगाने का कुछ कार्य है यहाँ पे अलग से, यह सूखी रोटी चल रही है अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हाँ डिमांड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम व्यवस्था देखेंगे यहाँ पर, उधर माताएं बहनें जो हैं उधर भी काफ़ी जो है मेरे ख्याल से वो पूरियाँ बना रही हैं, उधर पूरियाँ बनाने का काम हो रहा है, देखना चाहेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पर हलवाइयों के द्वारा और माताओं के द्वारा यहाँ पर जो है पूरी बेलने का कार्य किया जा रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे व्यापक तौर पे कुछ लोकल माताएं बहनें भी हैं और कुछ पंजाबी माताएं बहनें भी हैं इनमें। तो देख सकते हैं कुछ लोकल भाई हमारे यहाँ पर हैं, ये हलवाई भाई। तो इधर पूरियों जो पूरी उतर रही है आप देख सकते हैं, जो पूरियाँ उसमें से निकल रही हैं,
पूरी का पूरी जो है पूरी एक पहाड़ लगी पड़ी है, इसे हरियाणा भाषा में हम पहाड़ बोलते हैं, पूरी पहाड़ लगी पड़ी है। तो देख सकते हैं उधर जो है पूरा का पूरा जो है ये जितने भी चूल्हे हैं बड़ी जो भट्टियाँ लगाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं, ये सारे बंसी वाले बाबे के। चलो एक थोड़ा सा एक वहाँ पर जाके आते हैं भैया, आ जाओ। तो मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको, बाबा जी क्या बना रहे हैं इसमें आप? ये दाल उड़द की दाल है, साबुत उड़द है। अच्छा ठीक है। तो और ये आलू छोला है, ये बन चुका है, ये तरी हो बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखो इसके ऊपर जो है बिल्कुल तरी जो है तिर रही है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो और इसमें क्या है? मूंग है साबुत। और इसमें क्या है? आलू चना। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है कंप्लीट है यहाँ पर। ये रसोई है बहुत बड़ी और खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। ये घी के कनस्तर पड़े हैं यहाँ पर और ये लकड़ी पड़ी है इधर। ये जितना भी है बट्टी जलाने का कार्य हो रहा है, सिलेंडर से हो सकता है सिलेंडर से कर रहे हैं, लकड़ी से जितना हो सकता है लकड़ी से कर रहे हैं। तो बंसी वाले बाबे के भंडारे के अंदर जो है ना बहुत अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ पर लगी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर भंडारा है जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख ही सकते हो।